हजरत हमारी अगली जो ज्यारत है वो है मस्जिद फतह। जब मक्का को फतह किया गया ना, फतह मक्का के मौके पे फतह का झंडा इस जगह पे लगाया गया था। ये देखे सीधे हाथ की तरफ एक गुंबद एक मीनार वाली मस्जिद, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने यहाँ पे फतह का झंडा लगाया था। ये मस्जिद फतह, और ये देखे उल्टे हाथ की तरफ एक सुरख टहलो वाली मस्जिद दिखेगी। ये अभी आपके फ्रंट पे आएगी, घूम के सीधे हाथ की तरफ आ जाएगी। ये है जी मस्जिद शजर। शजर ना अरबी जुबान में दरख्त को कहते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया ना, तो यहाँ पे एक बद्दू आया जी अल्लाह के नबी से, कहने लगा आप पे ईमान लेके आऊंगा, ईमान तब लाऊंगा जब कोई मौजजा करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक ना दरख्त था, उसने अल्लाह के नबी से शर्त रख ली, कहा इस दरख्त को आवाज दे, अगर ये दरख्त चल के आपके पास आ गया तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना उससे कहा इसे मैं आवाज दूं या तुम कह दो जाके इसे तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। उसने कहा अगर मैं कह दूंगा तो फिर तो बड़ी बात हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इसके पास जाओ और कहो कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। वो दरख्त के पास आ गया था, तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आपकी बारगाह में हाजिर हो गया जी, जड़ समेत, तो कलमा पढ़ता हुआ। वो बंदा ईमान नहीं लेके आया क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को काला कर दिया था, और जिसके दिल को अल्लाह काला कर देता है ना, उसे ईमान की रोशनी से नहीं नवाजता। मेरी अल्लाह से ये दुआ है हमारे दिलों को काला ना करे और ईमान की रोशनी से नवाज ले जी। तो हजरत ये देखे जैसे ये बिल्डिंग खत्म होगी ना, आपके सीधे हाथ की तरफ ये मस्जिद आपको दोबारा नजर आएगी, मस्जिद शजर पूरी और मुकम्मल। यहां से आप साथियों को दिखेगी, ये देखे ये जिसको सुरख टहले लगी हुई है, ये है मस्जिद शजर। ये जैसे पुल को क्रॉस करेंगे सीधे हाथ की तरफ आपको एक पहाड़ नजर आएगा, ये पहाड़ है शैब अबू तालब। आपने इसका जिक्र सुना होगा, तो हजरत ये शैब अबू तालब है, ये सीधे हाथ वाला। इसके साथ दूसरी तरफ जबले काबा पहाड़ है, जिस जो बैतुल्लाह को पत्थर लगा हुआ है ना, उस जबले काबा का है, ठीक है ना। ये आगे वाला जिसके ऊपर सूखे हुए दरख्त नजर आ रहे हैं ना, ये खुशक, ये वाला पहाड़ है जबले अबू कबैस, मक्के का सबसे पहला पहाड़ जिसके ऊपर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए थे। इस पहाड़ के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चढ़ के कहा था लोगों मैंने अल्लाह का घर बना दिया, आओ और आके इसका तवाफ करो। ये है जबले अबू कबैस। उस वक्त आलम रुमा के अंदर जिस रूह ने ये पढ़ा था ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो इंसान यहाँ पे जरूर आएगा। रवायत में मिलता है जिस रूह ने जितनी मरतबा पढ़ा वो उतनी ही मरतबा यहाँ पे आएगी। ये जबले अबू कबैस है, इसके साथ ही ज़ियारात मुकम्मल हुई।